कैसे 30-1 का 35-1 का रेशो बता करके आप अपने आप का दामन नहीं बचा सकते। आपको चाहिए ये तो प्रश्न कि जहां शहर के गरीब के इलाके हैं वहां से टीचर्स को हटा करके वहां जहां पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के यहां शिक्षकों को दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी ये बताने के कष्ट करें कि जो शहर के करीब के स्कूल हैं उनमें क्या प्रतिशत है, क्या अनुपात है शिक्षक और बच्चों का, और जो दूर दराज के स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे यहाँ 5-6 गांव ऐसे हैं जहां 800-800 बच्चे हैं, 600-600 बच्चे हैं और स्कूल सिर्फ 2। शिक्षक नहीं है। उत्तर आ रहे गुलाम मोहम्मद जी, भाषण नहीं, आपका प्रश्न आगे उत्तर आने दीजिए। बेहतर मेरी दरख्वास्त यही है कि इस विभाग के साथ में थोड़ा सा न्याय करें और न्याय करें ताकि वो बच्चे वहाँ अच्छी तालीम हासिल कर सके। हमारे जो टीचर्स वहाँ अपॉइंट होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वहाँ उतने अच्छे टीचर्स। थोड़ा सा जमीन पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा सारे एक साथ ही। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 453,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 147,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक, सबको मिला करके जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंतर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतर जनपदी हम सब लोग शिक्षकों को जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा है और बच्चे वहां पे कम है तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहां पे बच्चे कम है उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पे कार्य कर रहे हैं।